पैसेंजर पहुंच गए एनजीपी और मैं लेट हो गया गाइस, तो फटाफट यहां से गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा एनजीपी की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा दोस्त अर्पण भी रेडी हो गया। एक्चुअली हम लोग का 4 गाड़ी है और 2 गाड़ी ऑलरेडी एनजीपी पहुंच गया है। और पैसेंजर ने हम लोगों को बोला था कि एनजीपी आने से पहले ही फोन करेगा, लेकिन पहुंचने के बाद फोन किया, इसलिए हम लोग लेट हो गया। और फाइनली हम लोग पहुंच गए एनजीपी और पैसेंजर सब रेडी था। और मैंने फटाफट लगेज वगैरह बांध दिया और अर्पण ने भी अपना लगेज बांध दिया। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े भाई मिर की ओर गाइस। और गाड़ी थोड़ा पहुंच के मैं टायर का हवा कम हो गया और छोटू बोल रहा कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और टायर में हवा डाल के हम लोग निकल पड़े मिरिक की ओर। और रास्ता में ना हम लोग को जंगली सुअर का बच्चा देखने को मिला। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा दौड़ता हुआ जा रहा है। और मौसम चेक करें गाइस, बहुत ही प्यारा मौसम है, धूप खिला खिला। और गाइस ये है टिंगलिंग और ये है सौरेनी बाजार आने से पहले का नजारा। सो गाइस अभी दोस्त हम लोग ने रुका है बाईपास पर और यहाँ से भी गाइस जो लेक है वो काफी नजदीक पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। और गाइस यहाँ पर है फायर ब्रिगेड मिरिक और इसका ठीक साइड से एक रास्ता जो जाता है वो लेक की तरफ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता, लेक जो है काफी आगे तक फैला हुआ है और वहाँ पर व्हाइट कलर का हॉर्स दिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस आप लेक ना उधर से भी जा सकते और इधर से भी शॉर्ट पड़ता है। एक्चुअली हम लोग का जो टूरिस्ट है उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो वहाँ पर दुकान भी था, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, मतलब लेक घूमना भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग ने बाईपास पर रुका। लेकिन आप लोग जब भी आए उधर जो मेरी कृष्ण नगर है वहाँ पर भी रोक सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। और गाइस मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, वहाँ पर मेरे को एक वाइट हॉर्स दिखा दिया है तो उसका एक दो क्लिप लूँगा सिनेमैटिक और फोटो भी लूँगा। ये हॉर्स का सिनेमैटिक वीडियो आप लोगों को इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा अच्छा रील्स डालता हूँ, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा देख के। सो गाइस अभी जस्ट मैं और अर्पण गाड़ी में बैठा हूँ और टूरिस्ट लोग जो है वो घूमने गए हैं मिरिक लेक। आईफोन है साथी का, फिर आए हैं, देखा दीजिए किडनी बेच के लिया गाइस आईफोन। किडनी ले लिया तू, टाका लगा पेट पे साला किडनी निकाल लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फाइनली टूरिस्ट मिरिक लेक घूम के आ गया और सॉरी गाइस आप लोगों को मैं मिरिक लेक नहीं दिखा पाया, बट बहुत जल्द मिरिक लेक का एक प्रॉपर ब्लॉग आएगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और गाइस हम लोग पहुंच गए गोपाल धारा टी गार्डन और गाइस ये रहा गोपाल धारा टी गार्डन, बहुत ही प्यारा बहुत ही कमाल का। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं गोपाल धारा टी स्टेट पर, देख सकते हैं काफी कमाल का टी गार्डन है। और जब भी आप भाई मिरिक होके आएंगे तो ये दूसरा व्यू पॉइंट पड़ेगा, पहले पड़ेगा मिरिक लेक उसके बाद गोपाल धारा टी स्टेट। और आज धूप भी खिला हुआ है काफ़ी प्यारा और बहुत सारा टूरिस्ट आ रखा है घूमने के लिए, यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। सो हम लोग ने गाड़ी पार्क किया ऊपर की तरफ और वहीं पर जा रहा है अभी अभी। और जैसे हम लोगों ने गोपाल धारा क्रॉस किया वैसे बारिश शुरू हो गया और मौसम और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया गाइस। और ये फॉग और पाइन टी का कॉम्बिनेशन मेरा काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग रुके सीमाना पर, बट सीमाना में काफ़ी फॉग था तो पैसेंजर ने बोला चलो सीधा होटल। और मैंने पैसेंजर को बोला कि आपको मैं एक रास्ता में पॉइंट है वो ज़रूर दिखाऊंगा जो कि है लेप्चा जगत पाइन गार्डन। सो गाइस अब जैसे हम लोग ने रुका है लेप्चा जगत पाइन गार्डन, देख सकते और बारिश शुरू हो गया अभी। और गाइस अभी ये आखिरी व्यू पॉइंट है, उसके बाद हम लोग सीधा होटल में पैसेंजर सबको ड्रॉप कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है पानी गर्म। और बारिश की वजह से ठीक से घूम नहीं पाया, नेपाल बॉर्डर भी था वो भी घूम नहीं पाया, बट अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा। घूम लिया भाई, चाय नहीं पिएगा?
वो भाई मेरे साथ आया है गाड़ी पर, कहते भी चाय पी के फटाफट निकलते हैं यहाँ से। दाजू को मांगा था मैंने चाय, बट दाजू ने बोला कि इस मौसम में गर्मा गर्म चिकन सूप पी लो पहले, उसके बाद चाय पीना। और दाजू ने मेरे को एक कप में सूप डाल के दिया और चिकन सूप का इस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, यकीन मानिए। और टूरिस्ट ने भी चिकन सूप पिया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े दार्जिलिंग के लिए। रास्ता में काफ़ी फॉग था गाइस, गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट एनीवेज हम लोग निकल गए घूम। रास्ता में लकीली हम लोग को टॉय ट्रेन देखने को मिला, वो भी स्टीम इंजन। और जिस बात का डर था वही हुआ और जाम हम लोग को मिल ही गए। और ये जाम कम से कम हम लोग 40 मिनट तक ये जाम में फंसे, उसके बाद हम लोग चले होटल की तरफ। होटल में पहुँच कर पैसेंजर का सब सामान वामान हम लोग ने उतार दिया और फिर हम लोग निकल पड़े सिलीगुड़ी के लिए। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए होटल कुंजू और पैसेंजर सबको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और फिलहाल देख सकते हैं पूरा बारिश हो रहा है और टाउन में आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को जरूर फॉलो करें। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प होता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।